Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going to discuss about equations of motion. Okay, in the previous video we have discussed already about graph, the plotting of graph, acceleration and velocity, time graph and the position time graph. Okay, so what is this equation of motion by only one graph? So yes, you read it right. हम लोग आज सिर्फ एक ग्राफ से तीनों equations of motion को finish करने वाले हैं. ठीक, अब वो कैसे करेंगे देखेंगे हम. सिर्फ एक ग्राफ बनाऊंगा मैं और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी कंप्लीट करा दूंगा. ओके, तो शुरू करें. ठीक है, सबसे पहले देखिए ये बनाया मैंने ग्राफ, ये हो गया हमारा ग्राफ. ठीक, अब ये हम साइड में बनाए रहेंगे, वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन चलती रहेंगी. अब ये हमें इसमें इस वाली मोशन, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में कौन से ग्राफ की जरूरत है? हमें है जरूरत वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. तो ये है हमारी वेलोसिटी और ये है हमारा टाइम. अब मान लीजिए कि मैं या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, यू की वेलोसिटी से चल रहा है. यू उसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और वो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम टेक करने के बाद एक वेलोसिटी पर पहुंच जाता है. अपनी स्पीड बढ़ा, अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर वो किसी वेलोसिटी पर पहुंच जाता है. तो ये जो मैंने बोला इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करके दिखाता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट यू की वेलोसिटी से चल रहा है, यू की वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? यू. ठीक, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेता हूं मैं. यू की वेलोसिटी से चल रहा है. ठीक, यू कुछ समय के बाद, टाइम टी टाइम के बाद, कुछ समय लेने के बाद, यानी कि टी टाइम के बाद उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर बी कर ली. तो बी कर ली, मान लीजिए कि बी है यहां पर, बी कर ली. अब टी और बी यहां, अब ये यहां से चल के ऐसा पहुंच गया. ठीक, ये हो गया हमारा, ये डबल लाइन खींच गई. यू से बी उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली. ठीक, जब यू से वेलोसिटी उसने अपनी बी बढ़ा ली, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा यू. ठीक, तो अब हमें पता लगाना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट बताएंगे हम दो तरीकों से, एक्सेलरेशन हमको पता है, और इन्हीं दोनों मतलब दो चीजें निकालने के तीन तरीकों से, एक एक्सेलरेशन निकालने का तरीका और दो डिस्प्लेसमेंट निकालने के तरीके से हमको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मिलने वाली है. तो चूंकि हम जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बी एंड टी, इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ गिव्स अस, हमको क्या मिलता है इससे? एक्सेलरेशन. ठीक, तो हमको इसका जो स्लोप है वो देता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ए. ठीक है, अब ए हमें जैसे निकालना है, ये तो ए को हमने कैसे निकाला था? स्लोप हम कैसे निकालते थे कि यहां हम करते थे क्या, तो x2 y2 और यहां करते थे हम x1 v1 y1. ठीक है, तो x1 v1 यहां पर हमारा क्या हो गया? b माइनस u, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 हो जाएगा. ठीक, तो ये हमारा एक्सेलरेशन कैसे आएगा? v x2 माइनस ये हमारा हो गया y, ये सॉरी y2 है हमारा b और y1 है हमारा u. ठीक, और चूंकि ये है y एक्सिस पर, ये हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस. अब नहीं होगी बिल्कुल कंफ्यूजन, ये है y, ये है x. y का जो y2 है वो क्या है? b. ठीक, और y1 क्या है? u. तो b माइनस u. अब x2 क्या है? x2 है हमारा t और x1 क्या है? 0, ओरिजिन है 0 है, तो t माइनस 0. अब a इक्वल्स टू b माइनस u अपॉन t. अब मैं t को इस तरफ भेजूंगा तो a t इक्वल्स टू b माइनस u. अब यदि मैं b को इस तरफ लेके आ जाऊं, u को इस तरफ लेके आ जाऊं, तो b को मैंने कर दिया, मैंने राइट को लेफ्ट हैंड और लेफ्ट को राइट हैंड कर दिया, तो v उस तरफ का इस तरफ ले आया मैं, तो v रहा पॉजिटिव का पॉजिटिव. ठीक, इक्वल्स टू u. अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ गया, तो u प्लस at.
80 पहले से था, और भाई साहब यही आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पहला वाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन b इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक, अब हम इसी सेम ग्राफ, ये सेम बना रहेगा। अब हम लेके चलेंगे आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसका। ठीक, ये हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, अब बचे दो। तो देखिए, हमको ये पता है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की यदि कोशिश करें तो क्या हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कि इसको मान लीजिए मैं यहां तक ऐसा खींच दूं, निकालना मुझे मतलब इस चीज का पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया निकालना मुझे। अब आपको ये मैं ऐसा शेड कर दे रहा हूँ, इसी एरिया को मैं दो तरीके से निकालूंगा, ये पूरा शेडेड माल जो पूरा दिख रहा है आपको यू से वी और जीरो से टी, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको एरिया, इसके पूरे का ये जो मतलब पूरा कंटेंट दिख रहा है शेडेड ऑफ ग्रीन कलर, ओके, इसका हमको एरिया निकालना है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये मैंने इसको मान लीजिए डिवाइड कर दिया, ये मैंने बीच में लाइन खींच दी। अब क्या आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक, अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर साइड। तो अब देखिए, पहला हमारा रेक्टेंगल का हम निकालेंगे, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारी, जीरो से टी मान लेता हूं मैं, तो टी सबसे पहले तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल में ही चलेगा पूरा सामान। ठीक, तो एस, अब लेंथ क्या है इसकी, टी, और विड्थ क्या है, यू, यू टी, तो यू टी लेंथ इंटू ब्रीथ हो गई हमारी यू टी। अब प्लस ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 का 1/2 लिख दिया। इसका क्या बेस, बेस क्या है इसका, टी, जो इसकी लेंथ थी वही इसकी बेस हो गया, तो बेस हमारा आ गया टी। ठीक, इनटू, अब ये क्या है हमारा, इसका निकालना हमको बी। तो देखिए, ये हमारा यहां से लेके यहां तक बी है और यहां से लेके यहां तक यू है, तो बी यू। ठीक, तो ये कितना होगा, बी है टोटल, यू है इतना, हमको निकालना है इतना, तो b माइनस यू हो जाएगा ना यहाँ पर। देखिए, ये b से लेके यहाँ तक का ये है टोटल हमारा b, इस टोटल का डिस्टेंस है b। अब हमको मान लीजिए कि ये हमारा पूरा है b और यहाँ से लेके यहाँ तक का है u, तो हमको इतना निकालना है, तो b माइनस यू हो जाएगा, मतलब पूरे से हम इतना घटा देंगे, हमको ये पार्ट निकालना है। मान लीजिए मुझे अपना ये पाम निकालना है, तो मैं पाम से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इसको पूरा माइनस कर दूंगा ना, तो फिर मेरा अकेले पाम का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो गया, मैंने ये लिख दिया बी माइनस यू। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, यू टी का यू टी ही लिखा रहने दूंगा, 1/2 टी। अब ये आप बी माइनस यू को याद कीजिए कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बी इक्वल्स टू यू प्लस 80 था इक्वेशन वन में, फ्रॉम ई क्यू वन। ठीक, अब यदि मैं b माइनस यू कर दूं, यानी कि b u को इस तरफ ले आऊं और a को इस तरफ ले आऊं, तो कैसे, किस रूप में आएंगे, ये b माइनस यू और ये t का a से क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, जब ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a, अब ये हमारा अकेला t की वैल्यू आ गई। अब यही t की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, कहाँ, ये केवल बी माइनस यू है जो इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, तो ये मेरा कितना बचेगा, 80। ठीक, जब 80 बचेगा तो मैं b माइनस यू की ये पूरे की वैल्यू 80 लिख सकता हूँ, इसका मैं 80 लिख सकता हूँ ना। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यू एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ a इंटू टी, ये हमारा ये, और साथ में ये वाला t। ठीक, ये वाला t, तो ये फाइनली क्या बनेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भाई साहब यही आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब आते हैं हम तीसरे पर,
और इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर भी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी। फिर हम चलेंगे किसी अगले चैप्टर पे। तो यदि मैं इसको डिवाइड ना करता, ये जो मैंने रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना के रखा है, ये यदि मैं ये मिटा देता और इस पूरे शेडेड एरिया का आपसे निकालने के लिए कहता कि ये बताओ ये इसका क्या है, तो गौर कीजिएगा, ये आपको एक जिसकी दो पैरेलल साइड्स हों, ठीक, उसको हम क्या कहते थे, पर मगर वो दो पैरेलल हों, उसकी आमने सामने की पैरेलल होती हैं यदि, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक। बट यदि सिर्फ दो आमने सामने की हों, यानी कि ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक, ये होता है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं। अब आप गौर कीजिएगा कि यहां पर दो साइड्स कैसे पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है ना, और ये पैरेलल नहीं है। तो सिर्फ जब दो साइड्स आमने सामने की पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम, और जब आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल हो, यानी कि मतलब ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, यानी कि जब चारों साइड्स आमने सामने की साइड से पैरेलल हो, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। और जब सिर्फ आमने सामने की सिर्फ दो साइड्स पैरेलल हो, बची दो साइड्स पैरेलल ना हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ओके, अब इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वन बाई टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेलल ट्रेपेजियम, ठीक। तो आप देखिएगा कि इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये दोनों हो गए पैरेलल। अब हमको निकालना है कि इनकी सम कितना है, तो 1 by 2 का 1 by 2 उतार दूं मैं, 1 by 2 into sum of parallel sides क्या है, एक है हमारा u और दूसरा है हमारा ये वाला v, यहां से लेके यहां तक v और यहां से लेके यहां तक u, तो u plus v into height कितनी है इसकी, height है हमारी t, तो t, ठीक। अब हम पहले वाले equation of motion में चलेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया था, कि अब हमारा पहला वाला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन हमने निकाला था v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको मैं v माइनस u बराबर at लिख सकता हूं, और इसको मैं v माइनस u अपॉन a इक्वल्स टू t भी लिख सकता हूं, ठीक, जो पिछले वाले में मुझसे गलती हो गई थी। तो अब निकली है t की वैल्यू, अब निकालेंगे हम इस t की वैल्यू को, यहां पर रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक। तो 1 बाई टू v प्लस यू और ये v माइनस यू अपॉन a, अब हमको ये देखा देखा सा लग रहा होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये हम लिख देंगे a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई टू, ये टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल में चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये इस साइड है और इस साइड क्या आया, ये दोनों बन गया हमारा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब ए को हम इस तरफ जब ले जाएंगे तो ये, और टू को भी साथ में, टू और ए दोनों को ले गए इसके मल्टीप्लाई में, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस, ठीक। अब हम यू स्क्वायर को भी उस तरफ भेज रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और यही आ गया भाई साहब हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक। तो इसी प्रकार हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट किए, सिर्फ एक ग्राफ जो मैंने लिखा था ना, आपने सही पढ़ा था कि सिर्फ एक ग्राफ बनाने से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कवर कर सकते हैं, और ये एग्जाम में आपके 5 मार्क्स का आता है, ठीक। तो 5 मार्क्स का आपने सिर्फ 10 या 12 मिनट लगे होंगे समझने में, हमने समझ लिया है सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों निकालने का क्या, सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है, यू से चल रहा है, बी अटेन किया कितने टाइम में, टी में किया, ठीक। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखिएगा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, निकाल देंगे एक्सेलरेशन, ठीक। उसके बाद हम दो प्रकार के एरिया याद रखेंगे, एरिया क्यों याद रखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या, एरिया क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दो तरीके, सरल तरीका क्या है, सरल तरीका है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देगा, कैसे, हम उसको आधा आधा बांट लेंगे बीच में,
जब आधा आधा बांट लेंगे तो एक होगा रेक्टेंगल एक होगा ट्राइंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रीथ और ट्राइंगल का 1 × 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है वो किया हमने। उसके बाद ट्रेपेजियम निकालेंगे हम, उसको 20 से हटा देंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ट्रेपेजियम का क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, ठीक। तो ये हमने यहां से निकाल दिया। t की वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब जिसकी भी वैल्यू की जरूरत हो, b माइनस u की जरूरत होगी उसमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दोनों में हम, और तीसरे में होगी हमको t की जरूरत। दोनों की हम कहां से निकालेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 की मदद से हम 2 और 3 भी इस हिसाब से अपने डिराइव कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन भी खत्म, मोशन चैप्टर भी खत्म। थैंक यू सो मच।